जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा हट करके होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी सरकारी नौकरी के बारे में अपडेट नहीं दूंगा, बल्कि भारत देश के अंदर में सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है, बेरोजगारी का क्या आलम है, उसके बारे में आज के वीडियो में आपको रूबरू कराने वाला हूँ। और देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये आपकी आँखें पूरी तरीके से खोल देगी। यहाँ पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ ऐसे डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना दोस्तों, जिसे देख करके आप लोग पूरी तरीके से चौंक जाओगे। भारत देश के अंदर जो बेरोजगारी का जो स्तर है ना, वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आने वाले टाइम पर, ये 2024 चल रहा है, 2025-2026 में गवर्नमेंट क्राइसिस भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, करोड़ों की तादाद में बच्चे जानते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूंगा ना, तो मात्र 1% का सक्सेस रेशियो जो है आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर में। यहां पर मैं आपको देखिए पिछले 10 साल का जो एनालिसिस बताने वाला हूं, जो डेटा बताने वाला हूं, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पिछले 10 साल में किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब क्राइसिस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, ऐसी नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां यहां पर नहीं है, भर्ती की अगर मैं बात करूंगा ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, अलग अलग विभाग में यहां पर भर्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के आदेश पे ही कोई भी जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो भर्तियां निकालते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को वो कंप्लीट करा करके फाइनली ज्वाइनिंग देती हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको जो लास्ट 10 साल का जो डेटा बताने वाला हूं, इसको समझिएगा। और इस वीडियो को देखिए, मेरा जो भी अगर बड़े बड़े टीचर देख रहे हैं या फिर यूट्यूबर देख रहे हैं ना, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी इस मुद्दे को हल्के में मत लीजिए, आप भी इस पर सवाल उठाइए, आप भी आवाज उठाइए, जिससे कि सभी बच्चों के अंदर ये बातें पहुंचे और आपके अंदर जागरूकता ये पहुंच सके, ठीक है ना। दोस्तों, पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए 2015 में 212 ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट थी जिसमें कि सरकारी नौकरियां निकलती थी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलिए, यहां पर ठीक था, यहां पर जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे 2015 में, उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी, यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। 2016 में क्या हुआ, ये नंबर घट करके 197 तक पहुंच गया, यहां पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियां निकलती थी, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए, और कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे और वे सरकारी नौकरी इनको मिलती भी थी। 2017 में क्या हुआ, ये नंबर घट करके 169 तक पहुंच गया। उसके अलावा 2018 में ये नंबर और घट करके 143 तक पहुंच गया, और 2019 में भी ये नंबर और घट करके 109 तक पहुंच गया। अब देखिए, यहां तक की अगर मैं बात करूंगा, तो ये जो संख्या आप सब लोग देख रहे हो, ये 100 से पार का ही देख रहे होगे, लेकिन 2020 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट क्राइसिस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मात्र 61 अलग अलग डिपार्टमेंट में ही भर्तियां देखने को मिली, क्योंकि आपको मालूम है 2020 में कोरोना काल आ गया था, कोविड आ गया था, इसी वजह से अलग अलग गवर्नमेंट विभाग में भर्तियां नहीं निकल पाई थी। तो चलिए, यह समझ में आता है। और 2021 की अगर मैं बात करूंगा, तो यह नंबर और घट करके 54 तक पहुंच गया, लेकिन 2022 की अगर मैं बात करूंगा, तो स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य हो गई थी, लेकिन यहां पर भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो अलग अलग विभाग में भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम देखने को मिल रही थी। ये नंबर घट करके और 49 तक पहुंच गया, और 2023 की अगर मैं बात करूंगा, तो ये नंबर घट करके 37 तक पहुंच गया, और 2024 की अगर मैं बात करूंगा, तो ये नंबर घट करके बिल्कुल 25 यानी कि 25 तक पहुंच गया, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए मात्र 25 ऐसे विभाग रह गए हैं जिसमें कि सरकारी नौकरी जो है निकाली गई। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग विभाग में सरकारी नौकरियां नहीं है, अभी देखिए अलग अलग सेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, पुलिस विभाग हो गया, और भी कई सारे विभाग ऐसे हैं ना, जिसमें कि वैकेंसी बहुत ज्यादा रिक्त है, लेकिन यहां पर सरकार जो है भर्तियां नहीं निकाल रही है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाना चाहता हूं, जिसमें कि बताया गया है कि अभी भी 2.11 लाख पदों पर भर्ती जो है जल्द होनी है, और अलग अलग विभाग में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं, उसके बारे में यहां पर जो है जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, यहां पर शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो 1,38,833 पद ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग के अंदर पूरी तरीके से रिक्त है। गृह विभाग की अगर मैं बात करूंगा, तो 22,730 पदों पर भर्ती यानी बाकी है। दरोगा की 1,339 पदें रिक्त हैं। सिपाही में 21,321
पद रिक्त हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूंगा तो 12,169 पद रिक्त हैं। पंचायती राज के 4,070 पदों पर यह भर्ती आनी बाकी है। उसके अलावा राजस्व भूमि सुधार की मैं बात करूंगा तो 3769 पद पर यह भर्ती आनी बाकी है। जल संसाधन में 4939 पद जो है रिक्त हैं। उसके अलावा लघु जल संसाधन में 1,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ग्रामीण कार्य में 1843 पद रिक्त हैं। नगर विकास में 2,759 पद रिक्त हैं। और कृषि की मैं बात करूंगा तो 1441 पद रिक्त हैं। उसके अलावा कैबिनेट विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 1313 पद रिक्त हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए भवन निर्माण हो गया, PhD हो गया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी हो गया, परिवहन विभाग हो गया, उसके अलावा खान भूतन हो गया, उसके अलावा पथ निर्माण योजना एवं विकास, पर्यावरण एवं वन, मद्य निषेध, सहकारिता, गन्ना उद्योग, उसके अलावा वाणिज्य कर में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आनी जो है बाकी है। लेकिन ये वैकेंसी जो है कब निकाली जाएगी इसके बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। खाली ये बताया गया है कि किस विभाग में कितने नंबर ऑफ टोटल फीटें रिक्त हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये नंबर ऑफ टोटल फीटें तो आप बहुत कम देख रहे हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा ना, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया है ना, उसके अलावा जो सिपाही भर्ती हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया, इसमें लगभग लाखों की तादाद में ऐसी सीटें हैं जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी रिक्त हैं। लेकिन भर्तियों की अगर मैं बात करूंगा तो 3,000, 4,000, 500, 2,000 इसी प्रकार से भर्तियां ये निकाली जाती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं जब भी बात करता हूँ ना, जितने भी कैंडिडेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब मैं उनसे रूबरू होता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझसे बताते हैं यार अपना दुख दर्द कि मैं पिछले 8 साल से, कोई कोई बच्चा पिछले 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाहर रूम लेकर के वह तैयारी करता है, खाना भी खुद से बनाता है और पिछले 10 साल से एक भी गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाया है। सर के बाल झड़ गए हैं, आँख की रोशनी कमजोर हो गई है, लेकिन बेरोजगारी का स्तर यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है ना। देखिए 400-500 पोस्ट पर भर्ती निकलती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 1,000-2,000 पोस्ट पर भर्ती निकलती है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने वालों की संख्या जो है लाखों की तादाद में है। वो डेटा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यही रीजन है ना कि आने वाले टाइम पर 2024 चल रहा है, 2025-2026 में आप सभी लोग देखोगे ना तो भारत देश के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब क्राइसिस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए जरा इस डाटा को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 2023 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 35 अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट के लिए मात्र 12 अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई थी। वहीं पर 12th पास कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 9 अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही थी। उसके अलावा ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 16 अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही थी। ये 2023 का आपने आंकड़ा देखा। 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 25 अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती देखने को मिली थी, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट के लिए मात्र 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली थी। और उसमें कौन कौन सा निकला था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए मात्र 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई, जबकि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा ITI कैंडिडेट के लिए मात्र यहाँ पर 16 अलग अलग विभाग में भर्ती निकाली गई। तो कुल मिला के कहने वाली बात यहाँ पर यह है ना कि देखिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2023 और 24 में बिल्कुल नाम मात्र की वैकेंसी निकाली गई है, बिल्कुल वैकेंसी की जो संख्या है वो निल हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि 2024 में 12वीं पास कैंडिडेट के लिए कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर SSC CHFL की अगर मैं बात करूंगा तो 3712 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि 29 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा RRB NTPC की अगर मैं बात करूंगा तो यार 5 साल में आप भर्ती निकाल रहे हो, उसमें भी कितने पोस्ट पर। अगर 12वीं पास कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 3445 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी और इसमें 47 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। मतलब देख रहे हो ना, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी की जो संख्या है वो 5,000 भी नहीं है और 47 लाख से ज्यादा बच्चों ने RRB NTPC में अप्लाई किया था। पिछले 5 साल में ये भर्ती निकाली गई थी, ये कर क्या रहे हो यार। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। BSF HCM की अगर मैं बात करूंगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो मात्र 381 पदों पर भर्ती निकाल रहे हो। NVF GSA की अगर मैं बात करूंगा, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो मात्र 1526 पोस्ट पर यह भर्ती निकाल रहे हो। मतलब कि हर साल की अगर मैं बात करूंगा ना तो 12वीं पास कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चल
चलता है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हर साल 12वीं पास जो है होते हैं, ठीक ना, 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, और उनमें से 75 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है लग जाते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ भागने लगते हैं। उनको ये लगता है कि मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, अब मुझे सरकारी नौकरी देगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन का स्तर यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है ना। और देखिए, एक साल में मान लीजिए कि 75 लाख बच्चे जो है कंपिटिटिव एग्जाम में दौड़ते हैं, ठीक है ना, उसके अगले साल में 75 लाख कैंडिडेट और आ जाते हैं, उसके अगले साल 75 लाख कैंडिडेट और आ जाते हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या देखिए, 3445 पोस्ट पे भर्ती निकाल रहे हैं, 5 साल के बाद भर्ती निकलती है, फिर भी जो है ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये मत सोचेगा कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है। आज अगर मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आज से 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। कोई कोई विभाग ऐसे होते हैं जिसमें कि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता है, उससे पहले आंसर की जारी होती है, फिर रिजल्ट जारी होती है। और उसके समझ लीजिए कि एक वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में तकरीबन 3 से 4 साल का यहां पर समय लग जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो कि भूल जाते हैं कि मैंने इस विभाग में फॉर्म अप्लाई किया था कि नहीं अप्लाई किया था, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं मिलता है, यह हकीकत है। बच्चों की यहां पर शादी हो जाती है, उनके लड़के हो जाते हैं, लेकिन उनका जो एग्जाम है ना वो क्रैक नहीं हो पाता है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये आज की स्थिति है सरकारी नौकरी को लेकर के। तो बेरोजगारी का जो स्तर है वो अपने भारत देश में बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा है। और इसको लेकर के देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि कमेटी बैठाना चाहिए भारत सरकार को, और इस पर जो है गहरे तरीके से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके गवर्नमेंट क्राइसिस बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस डेटा को, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, 10वीं पास कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 2025 में क्या हुआ था, सॉरी 2024 में 5 अलग-अलग विभाग में भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा, तो आप सभी लोगों को मालूम है 44,228 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें तकरीबन 68 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको मालूम है कैसे होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पूरी तरीके से आसमान छू रहे हैं भाई साहब। यहां पर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा, तो 100% वालों का सिलेक्शन हो रहा है, 99% वालों का सिलेक्शन हो रहा है। और मुझे तो यह नहीं समझ में आता है कि 100% 90% वाले जो कैंडिडेट हैं वो किस गोले से आए हुए हैं। और अगर आप पढ़ने में इतना ही तेज हो, तो आप यार डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करो ना, आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, आप यहां 16,000 18,000 की नौकरी में क्यों पड़े हो, मुझे यह नहीं समझ में आता है। उसके अलावा एसएससी एमटीएस के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, उसके अलावा एसएससी जीडी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, आरपीएफ कांस्टेबल और नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पर निकाली गई थी भर्ती 2024 के अंदर। इसके अलावा क्या विभाग नहीं है क्या? सरकारी विभाग की अगर मैं बात करूंगा, तो इसके अंतर्गत जो है, इसके बाद में सैकड़ों ऐसे विभाग है जिसमें कि सरकारी नौकरियां पहले निकलती थी, लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जैसे लगता है कि सरकारी नौकरी को लेकर के इतना ज्यादा मारा मारी हो गई है ना, कि बिल्कुल आप मत ही पूछिए। 5 अलग-अलग प्रकार के डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई थी 2024 के अंदर में। और ऑलमोस्ट अगर 2024 की अगर मैं बात करूंगा, तो साल खत्म होने वाला है। अभी एसबीआई की अगर मैं बात करूंगा, तो पीओ और क्लर्क के पोस्ट पर जो भर्ती निकलने वाली थी, उसका कोई भी अता पता नहीं है। वो भर्ती कब निकलेगी, नहीं निकलेगी, किसी को भी नहीं पता है। पहले की अगर मैं बात करूंगा, तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डिफेंस सेक्टर, बैंक सेक्टर, है ना, अलग अलग प्रकार के सेक्टर में भर्तियां निकाली जाती थी। लेकिन अब की अगर मैं बात करूंगा, तो वो भर्ती बिल्कुल अब खोज सी चुकी है। उसके अलावा दोस्तों, थोड़ा सा इस आंकड़े को भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए, सरकारी रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर लाखों करोड़ों कैंडिडेट क्या करते हैं, सरकारी नौकरी को सर्च करते हैं, ठीक ना, उस पर जाकर के आप लोग देखोगे ना यार, तो पिछले 2 महीनों में 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट के लिए क्या वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाल रहे हो, उसके लिए आईपीपीबी बैंक, यानी कि जो पहले से जीडीएस में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भर्ती निकाल रहे हो, मतलब कि डिपार्टमेंटल भर्तियां निकाल सकते हो, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहां पर भर्ती नहीं निकाल रहे हो। उसके अलावा रेलवे में अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकालते हो, संविदा भर्ती निकालते हो, यार क्या मतलब है, मतलब कि बच्चों की जिंदगी जानते हैं, यहां पर पूरी तरीके से झंड करने में लगे हुए हैं। देखिए, इस डेटा को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल की अगर मैं बात करूंगा, तो 2024 में यह भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कि क्या हुआ था दोस्तों, कितने पोस्ट पर, 3712 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, और उसके लिए 29,63,854 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। मतलब देख रहे हो ना, कंपटीशन का स्तर आप लोग देख लिए।
लिए कि 3712 पदों के लिए यहाँ पर 29 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यार ये नंबर छोटा मोटा नहीं है, इसे आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए अच्छे तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना बड़ा ये नंबर है और बेरोजगारी का जो स्तर है वो कितना ज़्यादा है। पोस्ट ऑफिस GDS की अगर मैं बात करूँगा तो 44,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, इसके लिए 68 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको मालूम है 10वीं के परसेंटेज के आधार पर होता है। SSC CGL की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 38 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है SSC CGL की इस वैकेंसी में। SSC MTS की अगर मैं बात करूंगा तो यही कोई 8,500 के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई थी 2024 में, और इसमें रिकॉर्ड तोड़ 57,45,000 से ज़्यादा बच्चों ने SSC MTS के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। SSC GD की अगर मैं बात करूँगा तो 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हुआ क्या था कि 47,45,500 से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। नंबर ऑफ टोटल फीटे भले ही कम थे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए थे। ये चीज़ ये दर्शाता है कि यहाँ पर भारत देश में बेरोजगारी का स्तर जो है कितना ज़्यादा है। उसके अलावा RRB NTPC की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रेजुएशन लेवल और 12th पास लेवल की वैकेंसी में तकरीबन 98 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके अलावा BSF HCM की अगर मैं बात करूंगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो 8.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, और वैकेंसी कितनी निकाली गई थी, मात्र 1526 पोस्ट के लिए 8.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने 8.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया था। वहीं पर RPF की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 4000 पोस्ट के लिए 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो यहां पर आप सभी लोग समझ सकते हो कि बेरोजगारी की स्तर जो है अपने भारत देश में क्या है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपको अगर आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर मैं केवल आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा बल्कि रास्ता भी बताऊंगा कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस योर चॉइसेस, कहने का मतलब यह है कि आप अपने चॉइस को सेक्रीफाइस कीजिए। यह मत सोचिएगा कि मैं केवल यूपी पुलिस में फॉर्म को अप्लाई करूंगा, मैं केवल SSC GD में फॉर्म को अप्लाई करूंगा, या फिर मैं केवल रेलवे में फॉर्म को अप्लाई करूंगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, तो जितनी भी वैकेंसी आती है SSC CHSL SSC CGL स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आती है, तो सभी में आपको यहां पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा इंक्रीज योर क्वालिफिकेशन। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि ये सोचते हैं कि मैंने 12वीं पास कर ली है, अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये बहुत ही गलत है, आपको कम से कम जानते हैं ग्रेजुएशन की परीक्षा जरूर से जरूर पास करनी चाहिए, जिसमें कि आप BA BSc BCOM कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 10th और 12th लेवल के बेसिस पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत कम है। ग्रेजुएशन करे रहेंगे तभी यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा बी फोकस्ड, फोकस रह करके आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको लगातार एकाग्र होकर के यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा फास्ट मूवर कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचेगा कि 1-2 घंटे पढ़ने से मैं सरकारी नौकरी में मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों कम से कम एक दिन में आपको तकरीबन जो है 8-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आप जहां भी तैयारी करते हो अपने घर पे या फिर लाइब्रेरी में या फिर कोचिंग सेंटर में, तो आपको तकरीबन 10 घंटे का समय देना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज 1-2 घंटे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जितने बहाने मारोगे ना तो उतना ही आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। उसके अलावा स्किल पर आपको फोकस करना पड़ेगा। स्किल का कहने का मतलब यह है कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं जानते हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, आप MF Office के बारे में नहीं जानते हो, तो इन सभी के बारे में जानिए, कंप्यूटर का कोर्स कीजिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी यहां पर आपको बेनिफिट जो है मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे CHSL की वैकेंसी में क्या होता है, 2 एग्ज़ाम होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट अगर आप सीखे रहोगे तभी तो SSC CHSL में फॉर्म अप्लाई करोगे और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करोगे। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको स्किल टेस्ट पर जो है काम करना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। ये नहीं कि दुनिया रेलवे में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो मैं भी उसमें अप्लाई करूंगा, नहीं। देखिए आपकी तैयारी कैसी है पहले ये देखना है, ठीक है ना। अगर आप सभी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल पुख्ता रखिए, तैयारी बिल्कुल अच्छी रखिए, तभी जा करके गवर्नमेंट जॉब जो है आप यहां पर क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है भारत देश के अंदर जो है सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है, और आपको अभी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए। इस अपडेट के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।